हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन पॉइंटर वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंटर वेरिएबल्स कैन बी कंपेयर्ड प्रोवाइडेड बोथ वेरिएबल्स आर ऑफ द सेम डाटा टाइप। यानी अगर दो पॉइंटर वेरिएबल को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम टॉपिक लिखते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन बिटवीन पॉइंटर वेरिएबल्स की पॉइंटर वेरिएबल्स कैन बी कंपेयर्ड प्रोवाइडेड बोथ वेरिएबल्स आर ऑफ द सेम डाटा टाइप। यानी दो पॉइंटर वेरिएबल को आप कंपेयर कर सकते हैं अगर दोनों जो है वेरिएबल्स जो है सेम डाटा टाइप्स को शो करें। Such comparisons can be useful when both pointer variables point to elements of the same array। यानी ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मान लीजिए एक pointer variable है हमारे पास px और दूसरा है py। अब यहाँ पे जो px है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है एड्रेस ऑफ x को, और x क्या है? x है इंटीजर टाइप ऑफ x, ठीक। तो और py क्या है? py इंडिकेट कर रहा है y वेरिएबल के एड्रेस को, और y वेरिएबल क्या है? इंटीजर टाइप है। तो इसका मतलब कि इन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो दोनों डाटा टाइप है x और y, दे शुड बिलोंग्स टू द सेम एरे। ये जो दोनों डाटा है ये आपके सेम एरे के होने चाहिए और सेम टाइप के डाटा टाइप होने चाहिए, तो पॉइंटर वेरिएबल्स को कंपेयर किया जा सकता है। द कंपैरिजन कैन टेस्ट फॉर आइदर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। मोर ओवर ए पॉइंटर वेरिएबल कैन बी कंपेयर्ड विद जीरो व्हिच इज यूजुअली एक्सप्रेस एज नल व्हेन यूज्ड इन दिस मैनर। तो यानी कि आप जब पॉइंटर वेरिएबल को कंपेयर करेंगे तो उसमें आप दो तीन चीजें कंपेयर कर सकते हैं, एक तो इक्वालिटी, दूसरा हो गया नॉन इक्वलिटी, और तीसरा हो गया कंपैरिजन विद जीरो। जीरो को आप जनरली लिखते हैं यहाँ पे नल, इस तरह, ठीक। अब इसमें देखिए, अगर एग्जांपल लेके हम आपको समझाएं, से फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल लिखते हैं, ठीक। सेवरल लॉजिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग दीज टू वेरिएबल्स आर शोन एज, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लॉजिकल एक्सप्रेशन आप कैसे, आप ये ले सकते हैं पी एक्स इज लेस देन पी वाई, ठीक है। ये लॉजिकली सिंटेक्स वाइज ये एकदम करेक्ट है सिंथेटिकली। फिर आपने लिखा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी वाई, ठीक। फिर आपने पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, फिर आपने कहा कि पी एक्स इज नॉट इक्वल टू पी वाई, और लास्ट में आपने जीरो से कंपेयर किया तो आपने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू नल, ठीक है। अब दीज एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड एज एनी अदर लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब ये जो भी हमने एक्सप्रेशन आपको ये पांच छह दिए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, इसको आप किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन में आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आप कोई इफ का स्टेटमेंट यूज़ करना है, आपने लिखा इफ और आपने यहाँ चेक किया पी एक्स इज लेस देन पी वाई, ठीक है। आपने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ, ठीक है, और आपने लिखा पी एक्स इज लेस देन पी वाई, क्लियर। ये प्रिंट करके आप बाहर आ गए। या एल्स में, तो एल्स में क्या होगा? तो एल्स में ये होगा कि पी एक्स जो है बड़ा होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे एल्स में प्रिंट एफ पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी वाई, ठीक। तो इस तरह से इन लॉजिकल एक्सप्रेशन को, कंपैरिजन वाले लॉजिकल एक्सप्रेशन को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन आप यूज किया है पी एक्स इज लेस देन पी वाई, it indicates whether or not the elements associated with px is ranked ahead of the element associated with py,
whether or not the subscript associated with star PX is less than the subscript associated with star PY. तो इस तरह से आप कंपेरिजन करने के लिए भी पॉइंटर वेरिएबल को आप ये एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अभी तक जो हम लोगों ने पॉइंटर में जितने भी वेरिएबल जो भी हमने ऑपरेशन किए हैं, ठीक है, उन सबको अगर हम एक जगह समराइज करना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समरी ऑफ जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए जा चुके हैं, समरी ऑफ पॉइंटर्स ऑपरेशंस। ठीक, पहला क्या हो गया, ए पॉइंटर वेरिएबल कैन बी असाइंड द एड्रेस ऑफ एन ऑर्डिनरी वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल को आप किसी भी ऑर्डिनरी वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। सेकंड क्या हो गया, ए पॉइंटर वेरिएबल कैन बी असाइंड द वैल्यू ऑफ अनदर पॉइंटर वेरिएबल provided both pointers point to the object of the same data type। मतलब एक pointer को suppose कीजिए pv को आप px की value, इस pointer की value आप इसको assign कर सकते हैं। condition ये है कि provided that both pointer points to object of the same data type, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर v v जो है वो आपका इंटीजर टाइप है तो x भी आपका इंटीजर टाइप होगा, सेम डाटा टाइप, तो आप असाइन कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि पॉइंटर वेरिएबल कैन बी असाइंड ए नल और जीरो वैल्यूज, ठीक है, यानी किसी पॉइंटर वेरिएबल को आप से pv इज इक्वल टू नल ये वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इस नल का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है, एन इंटीजर क्वांटिटी कैन बी एडेड और टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए पॉइंटर वेरिएबल। ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख ही चुके हैं कि कोई भी इंटीजर क्वांटिटी, जैसे पॉइंटर वेरिएबल pv है तो pv प्लस 3 हम कर सकते हैं, या हमने कहा कि प्लस प्लस pv, ये सारे ऑपरेशन इस पे किए जा सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल पे। नेक्स्ट क्या है, वन पॉइंटर वेरिएबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर provided both pointers point to elements of the same array। मतलब एक pointer में से आप दूसरा pointer घटा सकते हैं, condition ये है कि both pointers point to elements of the same array। ठीक है, तो यानी कि subtraction भी, इस पर भी हम lecture ले चुके हैं कि subtraction between pointers ये भी पॉसिबल है, बस ये है कि सेम एरे के होने चाहिए वो एलिमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि टू पॉइंटर वेरिएबल कैन बी कंपेयर्ड प्रोवाइडेड बोथ पॉइंटर्स पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। ये तो अभी लेक्चर के शुरू में ही बताया आपको कि कंपेरिजन भी आप कर सकते हैं, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि बोथ पॉइंटर्स शुड पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सेम डाटा टाइप। तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग ऑलरेडी पॉइंटर्स पे करके और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद दो तीन चीज़ें और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस और पॉइंटर्स आर नॉट अलाउड। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इनके अलावा और कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉइंटर्स पे अलाउ नहीं है। दस ए पॉइंटर वेरिएबल कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई ए कॉन्स्टेंट, टू पॉइंटर वेरिएबल्स कैन नॉट बी एडेड एंड सो ऑन। मतलब ये जो पॉसिबल ऑपरेशंस हैं, इनके अलावा और कोई ऑपरेशन, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉइंटर वेरिएबल पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक, कि जैसे आप मान लीजिए आपने पॉइंटर को मल्टीप्लाई कर दिया किसी कॉन्स्टेंट से, या दो पॉइंटर वेरिएबल्स को आपने जोड़ दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑल्सो एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि एन ऑर्डिनरी वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड एन आर्बिट्रेरी एड्रेस। तो किसी भी ऑर्डिनरी वेरिएबल को मान लीजिए आपने डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स, ठीक, और एक्स को आप कोई एड्रेस असाइन करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, एन ऑर्डिनरी वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड एन आर्बिट्रेरी एड्रेस। फॉर एग्जांपल, एन एक्सप्रेशन सच एज एम्परसेंड एक्स कैन नॉट अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट। मतलब ये इंटीजर एक्स आपने डिक्लेयर किया और आपने कहा कि साहब एड्रेस ऑफ एक्स,
इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे कुछ भी 5, 0, 1, 2, h, ये मतलब आप किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को आर्बिट्रेरी एड्रेस आप नहीं असाइन कर सकते, ये ध्यान रखिए, ठीक है। दैट असाइनमेंट इज डन ओनली बाय द कंपाइलर। तो पॉइंटर्स के साथ जो भी पॉसिबल ऑपरेशन है वो सारे हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ये इसकी समरी है। इन ऑपरेशंस के अलावा और कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आप पॉइंटर्स के बीच में आपस में नहीं परफॉर्म कर सकते। तो आई होप कि आपको पॉइंटर्स पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।